please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. फिर कमल पर सवार है नीतीश कुमार है जी, हमारी विशेष कवरेज जारी है। राजभवन पटना में इस वक्त होने वाले नए मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले सुशील मोदी भी इस वक्त राजभवन पहुंच चुके हैं। हम वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ठीक 10 बजे शपथ ग्रहण विधि शुरू होगी, वो लाइव भी आपके सामने तस्वीरें होंगी न्यूज 18 इंडिया के कैमरे के जरिए। नीतीश कुमार से एक और बड़ी खबर आ रही है अली अनवर के बाद। अब खबर यह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शरद यादव भी इस फैसले से नाराज हैं जो वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश के फैसले से पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव नाराज हैं और आपको बता दूं शरद यादव ने आज सुबह से हर व्यक्ति जो उनसे मिलने जा रहा है वो तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो पत्रकारों से भी बात नहीं कर रहे हैं। उनका शायद ऐसा माना जा रहा है कि वो पहले नीतीश कुमार से बात करना चाहते हैं। ये तस्वीरें राजभवन प्रांगण की जहाँ पर शपथ ग्रहण होने वाला है कुछ ही देर में। दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं आपके सामने, महामहिम की कुर्सी है, उसके साथ में दो कुर्सियाँ, एक मुख्यमंत्री के लिए मेरे ख्याल से और दूसरी उप मुख्यमंत्री के लिए यानी नीतीश कुमार और सुशील मोदी। पुरानी जोड़ी एक बार फिर लौट रही है बिहार की सत्ता को संभालने के लिए। मेरे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। नवल किशोर जी आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज सिंह जी भी मेरे साथ हैं जेडीयू के नेता फोन लाइन पर, और शेष नारायण सिंह, तहसीन पूनावाला और सुधांशु मित्तल भी हैं। नीरज जी मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। सबसे पहले अली अनवर नाराज हैं, छिन्न हैं, खूब क्षुब्ध हैं और अब शरद जी के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। देखिए पहली बात तो ये आदरणीय अली अनवर पार्टी के माननीय सांसद हैं, अपनी पार्टी हमारी पार्टी जनता दल ने जो विस्तारित बैठक की पटना में उसमें माननीय सांसद को भी रहना था, वो समुपस्थित नहीं थे। वो किन कारणों से नहीं थे मैं नहीं जानता हूँ। और पार्टी बड़ी होती है, अगर पार्टी ने फैसला लिया तो पार्टी के फैसले से अगर असहज महसूस कर रहे हैं तो दल के सांसद के रूप में कैसा महसूस कर रहे हैं। इस सीधे तौर पे हमारे पास विकल्प क्या था, और अगर इतनी मन पीड़ा उनकी थी तो वो क्यों नहीं घटक दल से बात किए, बात करते ना, बिंदुवार जवाब हम मांग रहे थे FIR के आलोक में, तो जवाब नहीं मिला। और सारे लोगों को हमने तथ्यों के साथ हमने जाकर के हमारी पार्टी के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय लालू प्रसाद जी, सारे लोगों को बताया कि भाई ये स्थिति है, आप तो कुछ बोलिए। 12 दिनों तक पार्टी के नेताओं से भी माननीय नीतीश कुमार जी ने इस संदर्भ में कोई बात नहीं किया। हम पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। तो गठबंधन धर्म हठ धर्म से नहीं चलता है। अपनी बात आपको कहने कहा थे लेकिन आप जवाब तो देना चाहिए था उनको। जी आप रहिए मेरे साथ, मेरे एक रिपोर्टर जुड़ गए हैं आलोक कुमार। आलोक, शरद जी भी नाराज है? हाँ बिल्कुल, शरद यादव नाराज हैं और आपको अगर ध्यान हो हाल के दिनों में जब दिल्ली गए थे नीतीश जी और उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, उस मुलाकात के बाद शरद यादव ने कहा था कि महागठबंधन बचाना ज्यादा जरूरी है। मतलब वो शुरू से इस बारे में क्लियर थे कि तेजस्वी की कीमत पे महागठबंधन नहीं टूटना चाहिए। उनके मन में पीड़ा इस बात की भी है, अगर आपको ध्यान हो जब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला 2013 में किया था तब भी ये नाराज थे शरद यादव, क्योंकि वो तब चाहते थे कि भाजपा के साथ गठबंधन न टूटे। और फिर एक जब उन्होंने फैसला अभी पलटा तो इस बार वो इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस तरीके से राजनीतिक समीकरणों को बदलना उनके हित में नहीं है। उन्होंने परोक्ष तरीके से बातचीत में ये कहा कि हमारे ऊपर सामाजिक प्रेशर है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद यादव किन कारणों से नाराज। बिल्कुल आलोक, रहिए मैं नीरज जी का रिएक्शन ले लेता हूं। नीरज जी, शरद यादव के भी नाराज होने की खबरें आ रही है, पार्टी में तो बगावत की स्थिति आ रही है। नीरज जी, मुझे मैं इतना ही जानता हूं कि आदरणीय शरद यादव जी पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं और कैसे व्यक्ति हैं, जिन पर हवाला में आरोप लगा था तो पद से नहीं पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया है उन्होंने, ये मिसाल कायम की है। तो शरद जी करप्शन के सवाल पर जितने संवेदनशील रहे सार्वजनिक जीवन में, तो हमें नहीं लगता है कि उन्होंने जो उदाहरण पेश किया है वो उदाहरण आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय न रहे, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब उन्होंने कोई भावना व्यक्त नहीं की है और पार्टी के संसदीय दल के नेता है, सर्वश्रेष्ठ सांसद है। नीतीश जी ने बात की जीवन में शुचिता की, नीतीश जी ने शरद जी को इन्फॉर्म किया है कि वो बीजेपी के साथ सब सरकार बनाने वाले हैं, ऐसा मंतव्य बताया था।
देखिए, हमने हमारी पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब दूसरे लोगों को हमने बता दिया, इस्तीफा देने के पहले बता दिया जी, तो शरद जी को जानकारी कैसे नहीं दिया होगा, ये तो संभव ही नहीं। ठीक है, आप रहिए, नवल किशोर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर मेरे साथ है। नवल जी, क्या देखते हैं कि इस पूरी परिस्थिति में क्या बगावत हो सकती थी जेडीयू में दिखाई दे रहे हैं? ये तस्वीरें पटना राजभवन से इस वक्त आप देख पा रहे हैं, केशरीनाथ त्रिपाठी जी वहां मौजूद हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी के पास अतिरिक्त प्रभार है इन दिनों बिहार के राज्यपाल का, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है रामनाथ कोविंद। सुनते हैं राष्ट्रगान। सबको पता है, और सुशील मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार के पटना के राजभवन से ये सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली है ये छठवीं बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के, और छठवीं बार ये शपथ उन्होंने ग्रहण की है। इस बार राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी हैं उस महत्वपूर्ण फाइल पर, राजभवन की फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए कि वे इन जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, संविधान के अनुसार करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में जैसा कि आरजेडी का आरोप है कि वो बैकडोर पॉलिटिक्स करने में माहिर रहे हैं, वो हमेशा से पीछे के दरवाजे से राजनीति करते आए हैं, लेकिन जेडीयू ने साफ इन आरोपों को खारिज किया और उनका कहना है कि 12-13 दिन का वक्त मिला आरजेडी को, और एक बार भी उन्होंने पब्लिक फोरम पर जाकर जवाब सफाई देनी
उचित नहीं समझी। नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं, अपनी छवि पर भ्रष्टाचार के साथ खड़े होने का दाग लगे ये वो सहन नहीं कर सकते, जैसा कि उनके आलोचक और समालोचक दोनों कहते हैं। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री और इस बार बीजेपी के साथ सरकार, 71 विधायक 243 में से जेडीयू के पास है और बीजेपी गठबंधन के पास 57 विधायक है। सुशील मोदी के नाम का अनाउंसमेंट, सुशील मोदी अब स्टेज पे आएंगे और मंच पर आकर शपथ लेंगे स्क्रीन पे। मैं सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दोनों की जोड़ी एक साथ मंच पर आप देख सकते हैं इस वक्त, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। सुशील मोदी वो शख्स जो बीते दो महीनों से लगभग हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर इल्जाम लगा रहे थे लालू यादव के परिवार पर, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। तेजस्वी यादव, तेज यादव, मीशा भारती, मीशा के पति शैलेश, लालू यादव खुद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर करप्शन के गंभीर इल्जाम लगे। शपथ ग्रहण विधि पूरी हुई राजगान। राजभवन के मुख्य भवन में प्रथम दल पर आप